मैं समझता हूँ कि उनमें अभी कुछ परिपक्वता बाकी है, जब वो परिपक्वता पूरी हो जाएगी तो उनको ये लगेगा कि उन्होंने क्या कह दिया, स्वयं को ग्लानि होगी। कुबेरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। खंडवा के ओंकारेश्वर में राधा रानी के जन्म स्थान और विवाह को लेकर दिए गए विवादित बयानों से ब्रज क्षेत्र के संत समाज पहले ही नाराज थे, और अब उनका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वे गोस्वामी तुलसीदास के लिए गंवार शब्द का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में प्रदीप मिश्रा कहते हैं, हमको कुछ नहीं आता, हम तुलसीदास जी की तरह बिल्कुल गंवार हैं। इस बयान ने एक नए विवाद को जन्म दिया है। भजन सम्राट अनूप जलोटा ने इस पर गहरी नाराजगी जताई है। जलोटा ने कहा कि प्रदीप मिश्रा अभी परिपक्व नहीं हैं और उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि उन्होंने क्या कह दिया। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के राधा रानी और तुलसीदास के बयान को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भी एक भजन गायक हो, कथावाचक हो, दोनों लोग। मैं समझता हूँ कि उनमें अभी कुछ परिपक्वता बाकी है, जब वो परिपक्वता पूरी हो जाएगी तो उनको ये लगेगा कि ये उन्होंने क्या कह दिया, स्वयं को ग्लानि होगी। ईश्वर से प्रार्थना है कि भगवान मुझे शक्ति दें कि आगामी 25 वर्षों तक और भी भजन सुना सकूं, यही मेरी कामना है। आज मैं गाने नहीं आया हूं, आज मैं सुंदर पाठ, सुंदर कांड का पाठ सुनने आया हूं, तो मेरे लिए तो बहुत सुंदर दिन है। आज बड़ा मंगलवार है, बहुत सुंदर दिन है, तो ईश्वर से ये प्रार्थना है कि हनुमान जी हमको थोड़ी और शक्ति दें। 50 वर्षों से आपको भजन सुना रहा हूँ, और 20-25 साल सुनाओ इसी तरह। लोकल 18 के लिए अयोध्या से सर्वेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अनूप जलोटा का कहना है, मैं अयोध्या में सुंदर कांड का पाठ करने आया हूँ।